मेरे दो बच्चे हैं, एक 17 साल की लड़की है और एक 12 साल का लड़का है, तो उनके मूड स्विंग्स या उनके नेचर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो आप मूड स्विंग्स टिपिकली अभी एडोलेसेंस है, 12 साल लड़का है, 17 साल लड़की है, तो मेरा सिंपल सा चीज है कि अगर आप ये सब जो महत्व रहता है, आपने उनके परवरिश कैसा किया एट 0 एज, तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि जब वो 4 साल की थी विदोषी, तो हमने वो बच्चा कैसा पैदा होता है वो फिल्म दिखाया नेशनल ज्योग्राफी की से। 6-7 साल की थी तो हमने एक कार्टून बुक था जहाँ क्यूबिक हेयर ऐसा ऐसा दिखाते हैं जो ISP टीचर्स को मालूम है, वो दिखाया। तो आज जो है अभी 23 इयर्स, शी कैन शेयर, वो कुछ भी शेयर कर सकती है, सेक्स टू स्पिरिचुअलिटी कुछ भी, एकदम ओपन। जैसा आप खाने के लिए बात करते हैं या होटल के बारे में बात करते हैं या पिक्चर के लिए बात करते हैं, वैसा वो सेक्स के बारे में बात करती है वो एरिया में। अभी आपका अगर बदलाव अभी हो रहा है और अभी आपको समझ आया कि अरे मैं तो मिस हो गया हूँ, मिस हो गई हूँ कि हमने नहीं बताया था, हमने तो छिपा दिया था, कोई बात नहीं, आज से आज आप और ऋषिकेश दोनों जो हस्बैंड वाइफ है उनसे शेयर करना शुरू करो, जो आपके कॉलेज टाइम में है, प्री मैरिज टाइम में है, पोस्ट मैरिज टाइम में है, जो भी आपके जो संबंध रिलेशनशिप ऊंच नीच हुआ, जितना आप सत्य में रहेंगे उतना आपको उनसे सत्य में वो ओपन होना शुरू करेंगे। उनके पास अभी कॉन्फिडेंस शायद नहीं है कि इतना खुल के मैं बात करूंगा, क्योंकि हर एक जो बच्चा है क्यों शेयर नहीं करता है, एक ही वजह है, वो शेयर नहीं करता है मम्मी डैडी से या किसी और से भी, क्यों नहीं शेयर करता है बताओ, लोग क्यों छिपाते हेजिटेशन हैं? हाँ, हेजिटेशन क्यों है बताओ। उतना फ्रीडम नहीं मिला है बात करने का, मे बी क्यों नहीं मिला है उनके अंदर में कुछ ना कुछ हो रहा है, इसीलिए वो शेयर नहीं करते, क्या हो रहा है? मे बी ट्रस्ट नहीं कर रहे या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो कंफर्टेबल क्यों नहीं फील करते बताओ। कंफर्टेबल क्यों नहीं क्योंकि फील उनके करते? क्योंकि नहीं, उनके अंदर एक घबराहट है, वो घबराहट क्या है बताओ। कि मैं पूछूं तो गुस्सा ना हो जाए या रिएक्ट ना कर ले वो या तो ऑब्वियस है, ऐसे। गुस्सा हाँ, नहीं, वो तो ऑब्वियस है, अनदर कि गुस्सा गुस्सा रिएक्शन ऐसा एक क्वेश्चन। नहीं, गुस्सा रिएक्शन एक नेक्स्ट लेवल का है, वो तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, भागेंगे आपसे, झूठ बोलेंगे आपसे, झूठ बोलेंगे। लेकिन कोई बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन मम्मी डैडी को अवॉइड करेंगे, मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्यों अवॉइड करेंगे बात करने में? क्योंकि उनके अंदर एक घबराहट है। ऑफ व्हाट? घबराहट क्या है? या घबराहट ये है कि मम्मी डैडी उसको जज करेंगे, और ये जजमेंट के घबराहट से कोई बच्चा शेयर नहीं करेगा। जब जजमेंट का घबराहट नहीं है, उनको मालूम है कि मेरे मम्मी डैडी मुझे जज नहीं कर रहे, मुझे अप एंड डाउन नहीं देख रहे, अच्छा बुरा नहीं कह रहे, सोच रहे हैं, अपने आप वो बोलेंगे। हर बच्चा, हर व्यक्ति या हर इंसान को ऐसे व्यक्तियों को जरूरत है कि वो अपना दिल खोल के बात कर सकते हैं विदाउट बीइंग जज्ड। तो ये जो अभी 12 साल 17 साल के हो गए हैं और आप चाहते हैं कि वो सब कुछ शेयर करेंगे, क्यों करेंगे भाई? लेकिन करेंगे, मैं ये भी बोलेंगे करेंगे, जब आप और ऋषिकेश हस्बैंड वाइफ आपका दिल की बात कहना शुरू करेंगे ना, प्री मैरिज पोस्ट मैरिज और जो भी आपके अप एंड डाउन हो गए हैं, अपने खुला दिल के, अरे ऐसा हुआ था, हमने मिस्टेक किया, अपने जितना आप वल्नरेबल होंगे उनके सामने उतना वो खुलना शुरू होगा, अरे मम्मी डैडी के साथ ही ऐसा हुआ, अरे ये सब भी हुआ, अच्छा मेरे साथ भी होता, और अपनी बात कहना शुरू करेंगे और आपका जो रैपो है, जो इधर ऐसा है तो ऐसा 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 होते जाएगा, एनीवन, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बात है, सत्य में विजयते, यानी कि सत्य रहो, वल्नरेबल रहो, बच्चे जैसे रहो, आप और ऋषि के एक बच्चे बन जाओ उनके सामने, ओके, और डोंट हाइड एनीथिंग दैट रिक्वायर्स करेज,
दैट रिक्वायर्स करेज टू से कि हमारे से भी गलतियां हुई है. दैट्स ब्यूटिफुल. यस एक्चुअली विथ माई डॉटर आई डोंट नो मीन्स डोंट लाइक आई हैव बीन फ्रैंक एंड ओपन टू बोथ ऑफ देम इक्वली. सो माई डॉटर इज वेरी फ्री एंड फ्रैंक टू स्पीक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद मी. But in case of my son, I feel he hesitates a lot. Is it because that he feels it will be more comfortable to talk to daddy? Definitely, ऐसा हो भी सकता है. Definitely, क्योंकि वो boy is more comfortable with boy or girl. Boy is not so comfortable to share with mummy or vice versa. Girl, girl is not so comfortable to share with papa. लेकिन ये rule नहीं है. ये general thumb rule है. लेकिन इसको हम बदल सकते हैं कि मेरी जो मेरे हमारे लाइफ में द डॉटर इज मोर फ्री टू शेयर विद द फादर, क्योंकि हमने उससे पहले ऐसा ही परवरिश किया है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर रैपो. यू कैन चेंज इट नाउ ऑल्सो. जितना आप खोलेंगे देन डोंट एक्सपेक्ट हिम टू शेयर. वो एक्सपेक्टेशन ड्रॉप करो. आप कंटिन्यूसली शेयर करो. एक दिन पक्का वो करेगा. जब समय आएगा वो करेगा. आज नहीं तो कल करेगा. Thank you.